उत्तर पूर्वी का पूरा इलाका आपको बता दें कि धीरे धीरे इस तरह के उपद्रवी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उपद्रव करते देखे जा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीर देखिए किस तरीके से वाहनों को आग के हवाले किया गया है, पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, टियर गैस चलाई जा रही है ताकि लोगों को काबू में किया जा सके। देखिए एक साइड तो पुलिस फोर्स नजर आ रही है, दूसरी तरफ देखिए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। इंजर्ड को ट्रीट करने के लिए कई सारे नए बेड्स भी लगाए गए हैं और डॉक्टर्स का भी इंतजाम है, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता इस बात की है कि ये जो हिंसा है ये कैसे रुकेगी और कब रुकेगी। मेरी फिर से सभी लोगों से अपील है, सभी दिल्ली वासियों से, सभी लोगों से अपील है कि ये हिंसा रोकिए, इससे किसी का भला नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे जो घायल हैं, सवाल ये है कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी हालत बहुत खराब है। हाँ सर, कैसे करें? इसीलिए यही मेरी सबसे बड़ी मेरी चिंता का विषय यही है कि इस तरह से तो किसी का फायदा नहीं हो रहा। मतलब ये लोग भी मर रहे हैं, वो लोग भी, इस धर्म के लोग भी मर रहे हैं, उस धर्म के लोग भी मर रहे हैं, वो भी इंजर्ड हो रहे हैं, वो भी इंजर्ड हो रहे हैं, किसी का फायदा नहीं हो रहा। तो ये पागलपन तो रुकना पड़ेगा। मेरी सब लोगों से फिर से अपील है कि हिंसा छोड़ के और सब लोग शांति बहाल करें। अरेंजमेंट में क्या कहेंगे कि आर्मी में डिमांड करेंगे दिल्ली में जिस तरह से हालात है? मैं देखते हैं, अगर मैंने सुबह गृहमंत्री जी से बात की थी, आपको पता है मैं मिलने के लिए गया था, गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस को जितनी भी एडिशनल फोर्स की जरूरत होगी हम एडिशनल फोर्स देंगे, फोर्स में कमी नहीं होने देंगे। तो मैं भी स्थिति पे लगातार नजर रखे हुए हूँ, जो भी जरूरत पड़ेगी, जिससे भी बात करनी होगी मैं बात करूंगा। क्या क्या कार्यक्रम है, आप कहाँ कहाँ? मैं अभी यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल जाऊंगा, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भर्ती हैं, और उसके बाद मैं बुराड़ी जाऊंगा, बुराड़ी में जो एक पुलिस वाले की मौत हो गई है उसके घर जाऊंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शांति की अपील करते हुए R9 टीवी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें। हम उस देश के वासी हैं जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जो हिंसा के मार्ग पर चलने की कभी भी बात नहीं करते, अहिंसा परमो धर्मा। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रोटेस्ट करना है आप प्रोटेस्ट कीजिए, प्रदर्शनकारियों से यही अपील है R9 टीवी की तरफ से कि प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन ये लोकतंत्र में इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। हिंसा का रास्ता कभी भी अख्तियार करके किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। ये जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ये बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप कुछ मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, सीए कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे तो याद रखिए आपका आंदोलन ही कमजोर होगा। शाहीन बाग में लोग जो बैठे हैं, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं, उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन ये जो अब उपद्रवी इस तरीके से बवाल कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं उस आंदोलन को कमजोर करता। और खासकर अगर हम देखें तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे में है, ऐसे में भारत की छवि क्या बाहर जाएगी ये भी सोचने की जरूरत है। चांदपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से दिल्ली में हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही है।